बेसिकली इस लेक का नाम है खुशाल सर और गिल सर। खुशाल की मीनिंग होती है खुशहाली, लेकिन पिछले काफ़ी अरसा से यहाँ गंदगी फैली हुई है। जो झील है झील का नामो निशान भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। गिल सर का नाम जो है वो फेमस जो बर्ड है गिल, उसके नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वहाँ कोई परिंदे बर्ड्स यहाँ दिखाई देते हैं। डेफिनेटली ये जो पिछले कुछ एक अरसा से जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी को जो हानि पहुँची है, उसको रिस्टोर करने की ताकत कम्युनिटी में है, और कम्युनिटी ने डिसाइड कर दिया है कि इसको रिस्टोर करना है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन्होंने आज डिसाइड किया हुआ है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से खुद वो आगे रह करके इन दोनों लेक्स को रिस्टोर करेंगे। मैं जस्ट आज यहाँ उनको बधाई देने के लिए आया था। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो जो सपोर्ट लगता है वो उनको मुहैया कराया जाएगा। इसमें जो है डिमार्केशन हमने कर दिया है खुशाल सर का, गिल सर का भी कर दिया हुआ है। तकरीबन 70 के करीब जो है इनक्रोचमेंट हमने आइडेंटिफाई की हुई है, उनके खिलाफ नोटिसेस भी दी थी, मामला कोर्ट में गया हुआ है। वो वहाँ से जल्दी जो है स्टे वैकेट करवाएंगे और उनको खाली करवाएंगे। ऑलरेडी जो है उनका वहाँ घर है, घर के सामने जो है उन्होंने सुगाड़ बढ़ाया हुआ है, तो रिहैबिलिटेशन मुझे नहीं लगता कहीं करने की ज़रूरत आ जाती है। जो जो एनक्रोचमेंट है उसको हम हटाएंगे। टीम नलको के साथ आज यहाँ पर हूँ। आज यहाँ पर हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पिछले 30 साल से जो यहाँ के लोग मांग करते थे कि यहाँ कुछ शुरुआत हो जाए, आज देवकाम साहब, डीसी साहब और एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार उनका हूँ। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर डिमार्केशन के लिए, फिर नेविगेशन के लिए, फिर क्लीन कैसे रखें, और एक जो हमारा एक मिशन एहसास है, उस एहसास को मैं कहता हूँ कि ये एहसास यहाँ के लोगों में आना है, ये एहसास मुझ में आना है, ये एहसास आप में आना है, ये एहसास एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो हम चारों मिलकर जब काम करेंगे तो ये वाटर बॉडीज़ हम बचा सकते हैं। और आज जब उन्होंने इस इनॉग्रेशन की हमारी इस मशीन का, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह तकरीबन एक महीने में हम इसको कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह। बस बशर्ते कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट जो ऑलरेडी उन्होंने दिखाया, और मैं आज देवकाम साहब के साथ मैंने उनको ये दिखाया, नाले अमीर खान के बाद वो आगे भी उनको जाना था, वो भी गए और उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत कैसी है, इन वाटर बॉडीज़ की हालत कैसी है। तो हमने उनको ऑलरेडी रिटर्न भी दिया है और आज उनको हमने यहाँ पर ऑन स्पॉट भी बताया क्या क्या मसले हैं, तो उन्होंने ऑन स्पॉट आज डिसीजंस लिए, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। بہس گلہ کل روزان مس ناؤ محمد مقبول ونکس گل قدل کس قدلس پہ دشن کن خوشحال گل سر کھوپر سائٹ گل سر دشن طرف کھوپر طرف خوشحال سر یہ بروٹ شوب لوبن یت مس ہاؤس بوٹ چلان یت مس ناو وسان انگریز وسان یپ پہ یپ گاندربل تم وسان یپ ڈل پہ تو پتم دہ پندہ وری پہ امک حالات بڑے خراب تو گورمنٹ اس گورمنٹ آئی تہذی لاپروی سب گو سوری خرابی ڈل وہن جائن گئے ڈپارٹمنٹن تمہوں نی نک انٹرسٹا بہرحال منظور احمد وانگن صاحب بڑ مشکور تم آئے یور تمو تل امی قدم کہ بہ سا کر یہ پنہ لیول پہ صاف وہ کر تم انوالو ات مز ڈپارٹمنٹ کی تم تہ آئے آج اس ڈویژنل کمشنر صاحب تہ آمت تم دت ات نظر تم دپ ہسا یہ ہسا گھر ٹھیک گھن یہ ہسا کرو سپورٹ کافی اس تو یہ پبلک تیار سپورٹ کرنے خطرہ ہر کن معاملات مجھ سے تم تیار پہ گورمنٹ سوری تم تکن کر سورسز تم ہکن کی اقدام کر آج آج دت ایشورنس ڈویژنل کمشنر صبن بہ سا کر پور تعاون یا سن تو یہ ہسا گھر ٹھیک گھن
آب گوٚژھ یَتھ کٕلیر گژھُن یِتھ کٔنۍ برونٛٹھ صاف اوس یہِ شیٖشہِ ہیوٗ آب اوس ییٚمیُک ٲسۍ آب ٲسۍ چٮ۪وان لُکھ ٲسۍ یَتھ منٛز ٲسۍ سرٛان کَران یَتھ منٛز ٲسۍ باقٕے ناوٕ آسہٕ آسان ہاوُس بوٹ ٲسۍ آسان شِکارا ٲسۍ وَسان انٛگریز ٲسۍ وَسان سۄے پُزِشَن کٔر اَسہِ بحال گژھٕنۍ۔